नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देखते हैं जीटीवी न्यूज। कहते हैं जब तक सत्ता में हो तब तक सम्मान है, मान है, लेकिन सत्ता से अलग होने के बाद क्या होता है, आज यूपी के कुशीनगर जनपद में देखने को मिला। जब भाजपा विधायक को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उल्टे पांव भगा दिया, और क्या यह पूरा मामला है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। योगी सरकार में कभी सहयोगी दल रही भाजपा यानी भारतीय समाज पार्टी, जो आजकल भाजपा से अलग हो चुकी है, लेकिन अलग अलग होने का कितना नुकसान होता है, शायद आज भाजपा विधायक रमानंद बौद्ध को समझ आ गया। मामला आज कुशीनगर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत को लेकर, जहां विधायक रमानंद बौद्ध को अपने ही कभी बीच रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से बेइज्जत करवानी पड़ी। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आटा विधायक पवन केडिया के भतीजे व फाजिल नगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पौत्री की शादी में सम्मिलित होने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर कस्या हवाई पट्टी पर अभी उतरा ही भी नहीं था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक की इज्जत ही उतार दी। पेश है कुशीनगर से गुडविन साथी की खास रिपोर्ट। हमारे विधानसभा रामकोला में ब्रह्मा शंकर चौधरी एक नेता है, जो कभी भाजपा के भी नहीं रहे, न हिंदू युवा वाहिनी के रहे। अब चूंकि गठबंधन के बाद जब गठबंधन टूटा है, तो मैं भाजपा का विधायक हो गया और डिप्टी सीएम के कोर कमेटी में मैं रहा हूं, और वो हमारे जनपद में आए हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत मैं उनके सम्मान में गया था। कोई भी आए या पूज्य महाराज जी भी हमारे जनपद में आएंगे तो मुझे प्रोटोकॉल में जाना ही है, चाहे किसी भी दल का विधायक हो, वो सम्मान में जाता है और नेता का सम्मान करता है। इस तरह एक 5-6-7-8 लोगों की गोल बना करके और वहाँ वो हुटिंग किए हैं। हुटिंग करने के बाद मैं मामले को देखते हुए धीरे से वो वापिस चला गया और मैंने विवाद को बचाया। बिल्कुल आहत है, कोई भी विधायक रहेगा तो आहत होगा। हम किसी से कुछ मांगने नहीं गए थे, हम उनका सम्मान करने गए थे, मैं किसी का अपमान भी करने नहीं गया था। वजह चुनाव में वो अपने दल के साथ थे, दल के साथ होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमर्यादित जो भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विरुद्ध जो टिप्पणी किए थे, वो कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश। यह चुनाव में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अशब्दों से नवाजे थे। आज कार्यकर्ता उनको पाए हैं और उनके भाषा में उनको जवाब दे दिए। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको जवाब दे दो। हम लोगों ने जवाब दे दिया। जब चुनाव से पहले वो अलग हो गए, हमारा उनका कोई संबंध नहीं था, वो अपना डफली बजा रहे थे, हम अपना बजा रहे थे, तो उनको इसमें आने का जरूरत क्या था। वो माननीय विधायक हैं, विधानसभा में जाएं, अपनी बात रखें, जिससे रखना हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कुशीनगर जनपद में इस तरह का भाषा का प्रयोग करने के बाद वो हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करते हैं। अभी आपके आने से पहले रामकोला विधायक भाजपा के जो विधायक है रामानंद बौद्ध, उनको हिंदू वाहिनी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाहर का रास्ता दिखाया है, इसमें आप क्या कहेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी का जो भी संगठन है उनके साथ हम बैठने वाले, बातचीत करेंगे। धन्यवाद।